नाजीन अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नसुला राना माहिर अमराज नाल कामिला आपकी खिदमत में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर है। डेफनेस एक बहुत बड़ा हमारा मसला है। हमारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO उसने इसको एक मेजर डिसेबिलिटी रिगार्ड किया, लेकिन लोगों के पास हर चीज़ के लिए पैसा भी है, बजट भी है, तवज्जो भी है फॉलो, लेकिन सेहत और स्पेशली कानों के लिए तो कुछ बात ही नहीं। मेरा बड़ा तजर्बा है, मैंने एक बहुत बड़े एक अच्छे हॉस्पिटल में काम किया है, मेजर वो न्यू हॉस्पिटल लाहौर था। अब मैंने देखा था वो किसी को कह देना जी बच्चे का मसला हल हो सकता है, वो चंद हज़ार में अगर आला आता है वो जान छुड़ाना शुरू कर देते थे, बाग उग जाते थे। बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना। जितना जल्दी वो सुनेगा उतने जल्दी वो बोलेगा, ज़िंदगी में एक मौसर किरदार अदा कर सकेगा। इस सिलसिले में मेरे जहन में बड़ी एक हुई, हमारी ये पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ ENT सर्जन्स 1 जून 1980 को ये बने इसी होटल में गैदरिंग हुई। डॉक्टर हमारे जो ENT के टॉप के वो चारों सूबों से आए, फिर ENT की जो सोसाइटी थी PSORL उसका मैंने कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ड्राफ्ट किया, वो ले के फिर मैं सोसाइटीज ऑफिस लाहौर में गया। रजिस्ट्रेशन हुई 1 जून 1980 को जो मीटिंग थी उस रिजल्ट में ही हमारे फोरम मिल गया बाज ये। उसमें मेरी उसमें ये थी प्रायरिटी, आई वॉज इन व्यू कि किसी तरीके से बैरापन के लिए हम कुछ बेहतर काम करें, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं नहीं बुजुर्ग भी खैर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन बच्चों में तो बहुत बड़ा मसला है। उस सिलसिले में मैं चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो उस वक्त जनरल जवाहर लाल प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, आई मैनेज टू गो टू हिम। उन्होंने मेरी बात को बहुत प्यार से अच्छे तरीके से सुना, ही वॉज वेरी काइंड। मेरा 10 मिनट का टाइम था, मुझे 1.5 घंटा उन्होंने टाइम दिया। बस उन्होंने एक हंस के बात की कि डॉक्टर राना यू हैव कम फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान तो 1947 को बन गया था, तो अब कहते हो कि मैंने 81 में ये पहली कॉन्फ्रेंस का ये इनकाद होना लाहौर में। मैंने कहा जब जितनी जल्दी अच्छा काम हो जाए या देर से हो जाए, जल्दी हुआ या देर हुआ लेट्स बी स्टार्ट। ही वॉज वेरी काइंड, ही एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन। He specially came to Lahore to inaugurate the first national ENT conference, जहाँ से actually जिसमें मेन मैंने जब उनसे मुलाकात की तो मैंने कहा कि ENT के तशखीसी सेंटर जो है नहीं डायग्नोसिस के, वो चारों सूबाई दारकूमतों में यानी कोयटा, पेशावर, कराची, लाहौर में जो होने चाहिए, उन्होंने डायरेक्टर भी शुरू कर दिया। यहाँ भी उनका मूड बड़ा अच्छा था, उनकी 10 से 20 मिनट की स्पीच थी, वो भी 1.5 घंटा माशाल्लाह उन्होंने अच्छे तरीके से हंस के, और पहली दफ़ा एक इतनी बड़ी 81 में बड़ा एक टाइट सा माहौल था, उसमें बड़ा ही उन्होंने दबंग तरीके से खिताब किया कि भाई ये जो शुबा है ख़ासतौर जो बैरापन है इसको लिए हम काम करें। बस फिर उसके बाद एक स्टार्ट हो गया, अल्लाह की मेहरबानी से ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्टें भी आ गई, मैंने रिक्वेस्ट की। ENT स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट पे होते नहीं थे वो भी, उस वक्त ब्रिगेडियर मंजूर मलिक सेक्रेटरी हेल्थ वो बैठे हुए थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हामद नासिर चट्ठा साहब भी बैठे हुए थे हेल्थ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो फिर अल्लाह ने मदद की, वफाकी वजीर सेहत भी वहीं बैठे हुए थे, तो नेशनल लेवल पे भी प्रोफेशनल लेवल पे भी काफ़ी काम हुआ। आज हम एक अच्छी पोजीशन में हैं। अब छोटे बच्चों में कुछ मसाइल थे, पहले कहते थे जी 200 साल, तो कहते 2 साल की उम्र में आला लगा है। फिर जब 1990 आया तो फिर 10th इंटरनेशनल ENT कॉन्फ्रेंस इसी PC होटल लाहौर में मुनक़द हुई, जिसमें चेयरमैन सेनेट वसीम सजाद साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद खान जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे ही केम फ्रॉम कराची वो खिताब कर रहे हैं। उस वहाँ भी उन्होंने कहा कि भी इसके लिए कोई काम किया जाए, नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी हाउ टू ट्रीट द चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को ठीक करना। तो प्रोफेसर PW Alberti ही वॉज ऑल्सो अवर गेस्ट, ही केम फ्राम टोरंटो यूनिवर्सिटी फ्राम कैनेडा, ही वॉज अ वर्ल्ड अथॉरिटी ऑन हियरिंग प्रॉब्लम्स। उन्होंने फिर वहाँ से कहा कि भाई इसको आप 6 माह की उम्र में भी आप आला लगाना शुरू करें, डोंट वेस्ट द टाइम, अर्ली डायग्नोसिस अर्ली रिकवरी। यहाँ वक्त बच्चे का वक्त ज़ाया कर दिया जाता है, ये मैं प्यार से अपने तमाम, मैंने फिर जब सार कॉन्फ्रेंस कराई है लाहौर में, ये 2002 में लाहौर में PC होटल में 3 दिन का एक मेगा इवेंट था, जिसमें वर्ल्ड प्रेजिडेंट ENT का प्रोफेसर जॉन जेक राइट, ही केम फ्राम नीदरलैंड, ही सिटिंग विद मी ऑन द स्टेज। Then the SAARC president, Professor Alauddin, he came from Dhaka. He was the dean of the postgraduate medical institute. अब उन दोनों का ये था कि डेफनेस के ऊपर जोर लगाएं,
बल्कि मुझे वो हंस के अलाउद्दीन साहब कहते कि यार धक्का लगा इसको, ये ठीक हो जाए ताकि ये गाड़ी जो रुकी हुई है नहीं पाकिस्तान में, अल्लाह की मेहरबानी से फिर डेफनेस के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को आया। फिर मैं 2003 में आई बैक टू ऑरलैंडो, ये प्रोफेसर जेनिफर जो है वो मेरे साथ खड़ी हैं, ये ऑरलैंडो एक जगह है फ्लोरिडा स्टेट में इन USA, शी इज दी वर्ल्ड प्रेजिडेंट। उन्होंने भी कहा कि भी कुछ ये कॉकलियर इम्प्लांट, बिकॉज एक्चुअली शी वॉज द ES सर्जन फ्रॉम द हाउस क्लिनिक इन कैलिफोर्निया, लॉस एंजलस में उनका पूरे वर्ल्ड लेवल का एक हाउस क्लिनिक था जिसमें वो इंचार्ज थी। तो उन्होंने फिर मुझे ये छोटी सी एक डिस्क दी कि आप उस वक्त मेरा टेलीविजन के ऊपर हेल्थ के ऊपर मैं लोगों को बताता था, वहाँ से बढ़ के फिर चले वो डिस्क को फिर हमने PTV प्रोग्राम में भी चलाया। ट्रांसफॉर्म साउंड्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स व्हिच स्टिम्युलेट द नर्व फाइबर्स ऑफ द इनर ईयर, दिस वे स्पीच एंड साउंड्स कैन बी हर्ड अगेन। To understand the function of a cochlear implant, we will follow the path by any sound under normal conditions. Sound waves travel through the ear canal. And reach the cochlea via the middle ear. In the cochlea, the sound wave is transformed into electrical pulses, which travel down the nerves to the brain. Then the sound is processed. The sound is transmitted at a high speed. The cochlea plays an important role in the hearing process. The cochlea consists of three little channels filled with fluid. The incoming sound wave travels through the fluid and stimulates thousands of hairs on the top of the hair cells. The hair cells convert the mechanical energy into electrical impulses, which stimulate the nerve fibers. They form the acoustic nerve, which sends the message to the brain. The low sounds stimulate the top of the cochlea. लेकिन आगे मैं जो उस चीज़ के ऊपर लाना चाहता हूँ आपको कि किसी ना किसी तरीके से बच्चे का अर्ली डायग्नोज होना चाहिए। जैसे अच्छे गायनी के हॉस्पिटल हैं और वहाँ पर डे वन पे बच्चा पैदा होता है उसके कान टेस्ट कर लिया जाता है। अब हेयरिंग एयर के लिए उम्र की कोई एज अर्ली एज पॉसिबल हेयरिंग एयर प्लस स्पीच थेरेपी माशाल्लाह ठीक है। गूंगापन बताते खुद कोई बीमारी नहीं होती, बच्चा नहीं सुनता तो वह भी बोलता नहीं, अगर सुनेगा अर्ली डायग। अब इसी के ऊपर जो आगे हमारी मलेशिया में एक कॉन्फ्रेंस थी हेयरिंग के लिए, बहुत बड़ा पाकिस्तान ये उनके इंग्लिश न्यूज पेपर में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राना एक्सेप्ट द चैलेंज टू फाइट अगेंस्ट डेफनेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आके मैंने बेशुमार मेडिकल कैंप्स टेलीविजन पर, मैंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में किसी डॉक्टर ने इतने ENT के लेक्चर नहीं दिए जितने मुझे अल्लाह ने मौका दिया। मैंने लोगों को अवेयरनेस दी है कि घास काटता बंदा जो है खेत में, जो बर्तन सफाई करने वाली है वो भी वो समझ सके। मैं लोकल स्लैंग में बात करता था, इसीलिए मेरा जो प्रोग्राम था हेल्थ फोरम ये top 10 प्रोग्राम में चलता था PTV लाहौर से। फिर मैंने मुझे इतना वो पॉपुलर, मुझे उन्होंने इस्लामाबाद बुला लिया, वहाँ बुशरा रफीक शी वाज माई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और वहाँ पर उस वक्त आज़म खुर्शी साहब जनरल मैनेजर होते थे, वो बाहर आते थे मुझे आके रिसीव करना कि डॉक्टर साहब लाहौर से आए हैं। बड़ी इज्जत और एहतराम का एक दौर था टेलीविजन स्टेशन, स्पेशली PTV का वो दौर जो था जो 80 से 90 तक हमने देखा है, बड़ा एक रिस्पेक्टेबल, कोई ऊंची बात नहीं है और मुफीद बातें। मैंने फिर हेयरिंग फॉर ऑल के ऊपर लोगों को दस दिया और थर्ड साल की ENT कॉन्फ्रेंस में मुझे उन्होंने मेरे इस वर्क की वजह से मुझे उन्होंने साल का ENT गोल्ड मेडल दिया जो आप देख सकते हैं। ये चीज़ें हैं, अल्लाह ताला बस अब कबूल करे। बच्चों के लिए मायूस नहीं होना, बच्चों के लिए सबसे बड़ी तवज्जो उनकी सेहत है और सेहत में भी जो सुनना है नंबर 1 प्रायोरिटी, क्योंकि जो ब्लाइंड है उनकी क्रिकेट टीम है, ये मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो सुन नहीं सकते उनकी कोई टीम शीम नहीं है। मुझे क्रिकेट टीम जो ब्लाइंड की थी मुझे उन्होंने बुलाया था एज ए चीफ गेस्ट, मैं ये मीनार पाकिस्तान के साथ जो ग्राउंड है वहाँ पर मैं गया तो मैंने कहा यार ये तो गेंद के साथ उन्होंने घुंघरू लगाए थे, वो कहते सुन सकते तो देखें प्ले। फिर मैंने कहा मेरा शोबा तो डेफनेस का, वो कहते जी डेफनेस वालों का कोई स्कोप नहीं। तो इसलिए मुझे और फिर हिम्मत बनी कि मैं ये इसके फाइट अंगेज डेफनेस करूँ। तो मैं आपको पैगाम दूंगा कि अपने बच्चे को ये आला स्मार्ट जो है ना, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ,
ये जो है ईयर की स्पेशलिस्ट से लगवाएं, वो इसको फॉलोअप करें, जरूरत हो तो फिर इसके साथ इसकी स्पीच थेरेपी होती है। जैसे आपका बच्चा है वो एक फाल रुकन के तौर पर पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, बाहर जाए तो तब भी। थैंक यू वेरी मच।